हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हमारा जो रनिंग टॉपिक चल रहा है ब्रायोफाइट में रिक्सिया और रिक्सिया में रिप्रोडक्टिव में हमने एंथ्रिडियम डिस्कस कर लिया है, पुधानी। अब हम स्त्रीधानी या अंडधानी को डिस्कस करेंगे, आर्चिगोनिया। बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, एंड लाइकेन्स। जो रनिंग हॉट टॉपिक है हेपेटोकॉप्सिडा। हेपेटोकॉप्सिडा में हम पढ़ रहे रिक्सिया और रिक्सिया के रिप्रोडक्टिव में फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्चिगोनिया। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, संरचना और विकास को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आर्चिगोनिया के समान। तो अगर हम यहाँ पे शुरुआत करें तो बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पे पुंधानी या एंथ्रिडियम को देखा, तो एंथ्रिडियम में भी हमने यही कहा कि रिक्सिया का ये हो गया थैलस और ये हो गई उसकी नोच, एपिकल नोच, जहाँ पे शीर्ष बिंदु है। शीर्ष बिंदु से लगभग दो या तीन कोशिका पीछे की ओर, शीर्ष बिंदु से दो या तीन कोशिका पीछे की ओर यहाँ पे वही, तो कौन सी, डॉर्सल सरफेस। तो जो डॉर्सल सरफेस है तो डॉर्सल सरफेस के ऊपर सीड्स या एपिकल नोच में जो सीड्स ग्रोइंग पॉइंट है ग्रोइंग पॉइंट से दो तीन कोशिका नीचे की ओर क्या मिलता है हमें, एक खांच, कैविटी, ठीक है, जिसको हम यहां पे बोलते हैं गैमिटेंजियल चैम्बर। गैमिटेंजियल चैम्बर इसलिए क्योंकि इसमें गैमिटेंजिया डेवलप होती हैं, बीजाणु, मतलब सॉरी युग्मक धानियां। अब युग्मक धानियों की बात करें तो जैसे हमने पढ़ा था मेल एंथ्रिडियम, तो हम इसी चीज को क्या नाम दे रहे थे, एंथ्रिडियल चैम्बर। हम पढ़ रहे हैं यहां पे आर्चिगोनिया, तो दैट इज आर्ची आर्चिगोनियल चैम्बर, बस इतना सा है। तो हम यहां पे गैमिटेंजियल चैम्बर की जगह क्या नाम देंगे, आर्चिगोनियल चैम्बर। तो हमारी पहली लाइन यही होती है कि फीमेल थैलस पे, या अगर दोनों एक ही थैलस पे डेवलप हो रहे हैं, डायोइसियस हैं, तो ऐसी कंडीशन, वो सॉरी मोनोइसियस हैं, तो ऐसी कंडीशन में फीमेल आर्चिगोनिया भी मेल एंथ्रिडियम के समान ही डॉर्सल सरफेस में गैमिटेंजियल चैम्बर की आधारीय कोशिकाओं से डेवलप होती है या गैमिटेंजियल चैम्बर में डेवलप होती है। ये हो गई हमारी पहली लाइन की। दूसरी, दूसरा इसकी भी जो है वो अग्र अभिसारी क्रम में होता है, मतलब बेसिक कोशिका विभाजित होके और यह पूरी की पूरी कोशिका बना देगी। जैसे एंथ्रिडियम बनाया वैसे यहाँ पे क्या बना लेगी, फ्लास्क समान संरचना को बना लेगी, दैट इज आर्चिगोनिया। और गुमदाकार या गोलाकार या दीर्घवृत्ताकार संरचना हो गई मेल की। तो यही बेसिक चीज़ें हैं। अब हमारे पास आती है संरचना और डेवलपमेंट। तो एक बार संरचना की बात कर लेते हैं।
ठीक है, दैट इज आर्चिकोनिया। एक सिंपल से स्ट्रक्चर में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गई है अपरक्यूलम या कवर सेल्स, चार सेल्स है, इन्हें हम कवर सेल्स या आवरण कोशिका या ढक्कन कोशिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां अगर आप देख रहे हैं तो दीज आर नेक सेल्स। ये एक फ्लास्क के मुंह समान संरचना है जिसमें लगभग 4 से 6 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और ये जो बाहर की तरफ आपको दिख रहा है, ये दीज आर नेक जैकेट सेल्स जो कि लगभग 6 से 9 कोशिकाओं का एक स्तरीय जाल होता है, मतलब एक स्तरीय आवरण या जैकेट के रूप में होती हैं। लगभग इनकी 6 लाइनें होती हैं उदग्र, और 6 लाइनों में लगभग एक पंक्ति जो है उसके अंदर लगभग 6 से 9 कोशिकाओं की श्रृंखला होती है। ये भी हम डेवलपमेंट स्टेज में समझ भी लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर अपन बात करें इसकी, तो ये हो गया वेंटर कैनाल सेल, इसे VCC भी कहते हैं। ये सिंगल कोशिका है, एक, क्लियर है। और ये नेक और वेंटर या एग एपरेटस जो है उसको जोड़ने का और पैसेज का कार्य करती है। ठीक है, ये हो गई एक तरीके से वेंटर सेल, या हम कह सकते हैं एग सेल। जो कि एक बड़ी फ्लास्क के आधारीय भाग के समान या घट के आकार की फूली हुई संरचना होती है, जिसके अंदर यहाँ पे क्या है, एक गैमीट एग या फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट जो है इसके अंदर होता है, और इसके ऊपर जो एक कोशिकीय आवरण आप दिखाई दे रहा है, ये हो गया प्रोटेक्टिव लेयर, दैट इज वेंटर जैकेट सेल, वेंटर जैकेट सेल। तो यहां पे जो डेवलपमेंट हम समझेंगे उसका बेसिक क्राइटेरिया इसकी संरचना से समझिए। हमारे पास में एक कोशिका है बिल्कुल केंद्रीय एक्सिस बनाए हुए, ठीक है, एक कोशिका है हमारे पास में परिधीय के रूप में दोनों तरफ, क्लियर है। एक अलग से हमको संरचना मिल रही है जो कि वेंटर बना रही है, एक संरचना यहाँ पे है जो कि ग्रीवा बना रही है, और इसी में से एक संरचना है जो कि कवर सेल बना रही है, ढक्कन। तो ये ढक्कन या तो जैकेट सेल बना रही है या केंद्रीय कोशिका बना रही है, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट संरचना है। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि फीमेल आर्चिगोनिया जो है एडवांस और डेवलप एल्गीज की तुलना में डेवलप्ड कंडीशन में है। एक फ्लास्क के पास समान संरचना है जो कि व्रंतीय या अव्रंतीय संरचना होती है। व्रंत भी हो सकता है कुछ स्पीसीज में, और कुछ स्पीसीज में व्रंत नहीं पाया जाता है, ठीक है। एंड बस सही है, और दो भागों में परिलक्षित है। फ्लास्क का जो ग्रीवा भाग है उसे नेक सेल कहते हैं, जो कि एक परतीय कोशिकाओं से घिरी रहती है, उसे हम नेक जैकेट सेल्स कह सकते हैं। यहाँ पे नेक का मतलब हो गया ग्रीवा, और ये वेंटर का मतलब हो गया आधार या भूगा हुआ अंड कोशिका के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। अंड कोशिका की हम बात करें तो इसके अंदर जो है एक सेंट्रल केंद्रक, तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे केंद्रक जो है नष्ट होकर केवल एक ही केंद्रक जो है वो डेवलप होता है, जो कि फीमेल गैमिट का रोल प्ले करता है।
ठीक है। अब ये जो डेवलपमेंट स्टेज है इसकी संरचना का, उसको एक बार हम यहाँ पे आरेखीय चित्र के रूप में देख लेते हैं, फिर उसको डायग्रामेटिकली देखेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया को मैंने कहा कि डॉर्सल सतह के ऊपर पाया जा रहा है आर्चिगोनियल चैम्बर। तो यहाँ चैम्बर बाद में डेवलप होता है, पहले एक खांच की समान संरचना होती है और उस खांच की सबसे आधारीय जो कोशिका है नोन एज सुपरफिशियल। सुपरफिशियल सेल, और यही सुपरफिशियल सेल जो है इसको हम एक नाम और दे देते हैं, और वो नाम हम यहां पे दे देते हैं कौन सा, दैट इज आर्चिगोनियल इनिशियल। दो नाम दे दिया, अंडधानी प्रारंभिका या सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही कोशिका। आर्चिगोनियल इनिशियल का मतलब हो गया अंड धानी आरंभिक। अब वही सेम उसी की तरह विभाजनों की हम बात करें तो हमारे पास में विभाजन हो गए तीन कैटेगरीज में, एक ये दैट इज लॉन्गिट्यूडुअल या हम इसे वर्टिकल भी बोल सकते हैं, ये इसको हम हॉरिजेंटल भी बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स भी बोल सकते हैं और एंटीक्लिनल भी बोल सकते हैं, और इसकी हम बोले तो दैट इज ऑब्लिक या डायगोनल। ये हमारे विभाजन है अनुदैर्ध्य, उल्टा हो गया अनुप्रस्थ, हाँ उल्टा हो गया अनुप्रस्थ ये है, ये अनुदैर्ध्य है और ये हो गया त्रियक। ठीक है, ट्रांसवर्स, ठीक है, वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडुअल या अनुदैर्ध्य, इसकी हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ। ठीक है, और इसको इसको हम बोल सकते हैं ऑब्लिक और डायगोनल और त्रियक। ठीक है, ये तीन विभाजन है। तो यहां पे इन विभाजनों की हम बात करें तो सबसे पहले विभाजन यहां पे कौन सा हो रहा है, अब हम इसको केवल एरो से दिखा देते हैं ताकि हमारा समय बचे। एग्जाम में हम ऐसा नहीं करेंगे, एग्जाम में हम वहां पे लिखेंगे ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ट्रांसवर्स विभाजन हो रहा है जिसकी वजह से दो कोशिकाएं बनेंगी, एक ऊपर और एक नीचे, और इस ऊपर और नीचे वाली कोशिका में ये कोई काम तो आएगी नहीं, इसलिए इसको दूर ही बना देते हैं। ठीक है, दैट इज इनर सेल, जो आप नाम देना चाहे वो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आप इसे इनर सेल नाम दे दीजिए, लोअर सेल नाम दे दीजिए, क्योंकि वो कोशिका कट रही है तो सीधी सी बात है। दो एक नाम और हम दे देते हैं कई बार इसे, बेसल। ठीक है, तो एक्चुअली में आप नाम कोई सा भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, ये है एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब होता है अंतः स्थापित या अंदर अंतः धसा हुआ, अर्थात ये जो कोशिका है ये उस सुपरफिशियल सेल्स के साथ अंदर ही धसी रहती है और बाकी की संरचना को आलंबन प्रदान करती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। ठीक है, तो ये अंतः स्थापित रहती है तो हम कह सकते हैं आलंबन वे एक तरीके से पोषण, प्रदान करती है।
किसको करती है लिखने की जरूरत नहीं है, उधर मेल के अंदर मेल को एंथ्रीडियम को और फीमेल के अंदर आर्चिगोनिया को जो है वो आलंबन प्रदान करती है। क्लियर है? अब आगे बढ़े इसके अंदर तो ऊपर वाली कोशिका पे आ जाओ, ऊपर वाली कोशिका जो है जिसको हम यहां पर लिख सकते थे आउटर सेल। इस आउटर सेल को अब हम यहां पे कह देते हैं एक तरीके से, क्योंकि यहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। एक चीज और समझिए, ये जैसे सुपरफिशियल सेल थी इसमें विभाजन हुआ तो दो कोशिका बनी, दैट इज आउटर दैट इज इनर, ये तो धसी हुई रह गई। लेकिन कभी कभी कुछ प्रजातियों में इसमें एक और ट्रांसवर्स विभाजन होता है जिससे एक कोशिका और बन जाती है, तो तीन कोशिका बन गई, दैट इज आउटर दैट इज इनर और ये हो गई मिडिल, ये हो गई मिडिल। तो मिडिल कोशिका जो है वो विभाजन करके कई बार बेसल या स्टेक सेल्स में डेवलप हो जाती है, और आउटर कोशिका की हम बात करें तो वो एक तरीके से किसमें आर्चिगोनिया इनिशियल का कार्य करने लगती है या प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल के रूप में रिप्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास में अगर स्टैक है तो हम तीन कोशिका, स्टैक नहीं है क्योंकि ये फ्लास्क के समान संरचना और इसमें स्टैक जो है वो एक तरीके से रिसेसिव है और ये आधार से संलग्न संरचना के रूप में हमें दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसमें स्टैक की जगह डायरेक्ट क्या कर देते हैं आउटर सेल। और इस आउटर सेल को हम यहाँ पे नाम क्या दे रहे हैं, प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल। प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल, और ये प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल में अब जो विभाजन होगा उस पर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में समझा देता हूं, जो मेल में हमने पढ़ा था उस मेल के विभाजन में हमने क्या किया था, ऊपर से जब हमने कोशिका को देखा था तो उसमें लॉन्गिट्यूडुअल हुआ था एक, और दूसरा भी लॉन्गिट्यूडुअल ही हुआ था, यही वाला उर्ध उदर्व, लेकिन उसके अंदर उसके 90 डिग्री पे था, मतलब केंद्र से होके गुजर रही थी। तो हमें चार कोशिकाएं मिली थी, एक दो तीन और चार, तो हमारे पास एक सोपान ऊपर था और दूसरा सोपान नीचे था, इस तरीके से हमें ऊपर चार कोशिका और नीचे चार कोशिकाएं मिली थी। और फिर हमने उसमें क्या किया था, ये परिधीय विभाजन किया था, इस परिधीय विभाजन की वजह से एक कोशिका आउट की तरफ और एक सेंट्रल कोशिका मिली थी, मतलब चार कोशिकाएं परिधीय हो गई, चार कोशिकाएं सेंट्रल हो गई थी। अब यहाँ पे विभाजन यही होगा ऑब्लिक वाला, लेकिन कैसे होगा इसका ध्यान दीजिए, फीमेल में, इसको भी रहने दो, दैट इज इन मेल, हम यहाँ पे बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में क्या हो रहा है, ये रही कोशिका, ये रही आर्चिगोनियल प्राइमरी सेल, इस प्राइमरी कोशिका में विभाजन होंगे तीन, और वो भी कौन से होंगे, लॉन्गिट्यूडल, लेकिन लॉन्गिट्यूडल या वर्टिकल होंगे, लेकिन कौन से होंगे, डायगोनल टाइप के होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि विभाजन देखिए तल, एक केंद्र से होके नहीं गुजरेगी, दो, ठीक है, और ये हो गया तीन, कितने विभाजन, तीन, जिसकी वजह से यहाँ पे कितनी कोशिकाएं बनी थी, एक दो तीन चार, यहाँ पे कोशिकाएं बनी कितनी बन रही है, चार ही बन रही है, समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो एक दो तीन, तीन कोशिकाएं तो बन रही हैं पेरिफ्रल, और एक कोशिका बड़े आकार की बन रही है सेंट्रल,
यहाँ ये समस्या है, इसको वैसे समझ लीजिए कैसे होगा। अगर हम मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमें ज्ञात है कि मेल्स के अंदर, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सभी के अंदर जो स्पर्म्स हैं या जो एंथर्स हैं या एंथोजॉइड्स हैं, अर्थात मेल गैमिट्स हैं, मेल गैमिट नर युग्मक, उनकी संख्या सदैव ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो ऐसे में जब हम कोशिका को केंद्र से होके गुजारते हैं तो दो कोशिका, यहाँ से गुजारते हैं तो चार कोशिका, कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है। लेकिन जब हम यो गुजारते हैं तो इससे हमको क्या करना है, कारण देखिए कि फीमेल में हमको केवल एक कोशिका को ही डेवलप करना है और उसके अंदर एक केंद्र को ही विकसित करना है, अर्थात फीमेल आकार में बड़ी होती है लेकिन उसमें अंड कोशिका एक ही होती है, जबकि मेल के अंदर उनकी संख्या हजारों से लाखों तक होती है, तो उनमें फर्दर विभाजन की जरूरत भी ज़्यादा है एग्स की तुलना में। तो फीमेल के अंदर हमको केंद्रीय कोशिका को संरक्षित रखना और बड़ा बनाना है, जबकि मेल्स के अंदर हमको केंद्रीय कोशिका की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा विभाजन हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नर युग्मक डेवलप हो। तो इन दोनों विभाजनों का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इस विभाजन के फलस्वरूप हमको परिधीय कोशिका मिलती है और फिर उसके बाद हमको क्या मिलती है, केंद्रीय कोशिका। अब इस विभाजन के बाद एक और विभाजन होगा, ये वाला, इन परिधीय कोशिका में, केंद्रीय कोशिका में कोई विभाजन नहीं हो रहा, तो परिधीय कोशिका में ये विभाजन होने की वजह से हमको अब परिधि में तीन की जगह कितनी कोशिकाएं हो गई, लंबाई में छः। तो मैंने कहा था, देखिए एक परिधीय कोशिका ये रही, एक इसके पीछे है, एक इसके सामने है, दो इसके पार्श्व में है, तो टोटल छः कोशिकाओं की पंक्ति हमें ये दिखाई दे रही है जो चारों तरफ से इस नेक को घेरे हुए है, ठीक है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जैसे हमने पढ़ा किसके अंदर, कारा में, कारा का जो न्यूक्यूल था उसमें कितनी कोशिकाएं थी, पांच, इन हमने पांच ट्यूब सेल्स की बात की थी वहाँ पे, और वो पांच ट्यूब सेल्स जो हैं वो उसको घेरे रहती हैं सर्पिलाकार क्रम में, लेकिन वहाँ पे कोशिका एकल थी, एक ही कोशिका से बनी थी। यहाँ पे अगर आप संरचना देखेंगे तो ट्यूब भी बहुत सारी है और जैकेट कोशिकाएँ भी बहुत सारी हैं। थ्री वर्टिकल इंटर सेक्टिंग डिविजन्स, ठीक है? इंटरसेक्टिंग का मतलब जो मैंने आपको यहाँ डायग्रामेटिकली समझाया, ये रहा एक, दो, दो, तीन, वन, टू और थ्री, दीज आर, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे दो प्रकार की सेल्स मिल रही हैं। हिंदी में हम इसके लिख सकते हैं उदग्र, जिसको हमने अनुदैर्ध्य लिखा, वर्टिकल का मतलब होता है उदग्र, अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडल, वैसे अनुप्रस्थ का मतलब होता है ट्रांसवर्स और ऑब्लिक का मतलब होता है त्रियक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं उदग्र। इंटरसेक्टिंग की अगर हम बात करें तो इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है वही ऑब्लिक, मतलब त्रियक विभाजन, ये वाला, जिसकी वजह से हमको यहां पे दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिली। ठीक है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिली, जो ये वाली हैं
इसमें हो गई तीन पेरिफेरल सेल्स, परिधीय कोशिकाएं, पेरिफेरल सेल्स, ठीक है, और एक सेंट्रल तीन तो हो गई पेरिफेरल सेल्स और एक हो गई कौन सी सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के लिए हम बोले तो इसे लिख सकते हैं केंद्रीय कोशिका, या अक्षीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका या अक्षीय कोशिका, एक्सियल सेल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं हमें मिल गई है, एक दो और तीन, और केंद्रीय एक कोशिका। आप दोनों का धीरे धीरे डेवलपमेंट देखते हैं, पहले बाहर वाली पे चलते हैं फिर केंद्र वाली पे चलेंगे। बाहर वाली जो कोशिका है परिधीय कोशिका, इस परिधीय कोशिका में एक और विभाजन हो रहा है लॉन्गिट्यूडल या वर्टिकली हो रहा है बीच में से, जिसकी वजह से तीन से कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, छह पेरिफेरल। छह परिधीय कोशिकाएं, इन छह परिधीय कोशिकाओं में फिर हमको मिल जाता है ट्रांसवर्स विभाजन। इस ट्रांसवर्स विभाजन की वजह से छह की छह कोशिकाओं में हो रहा है। मैं अभी आपको डायग्रामेटिकली समझा दूंगा कैसे। तो ये जो छह कोशिकाओं में ट्रांसवर्स हो रहा है जिसकी वजह से सिक्स पेरिफेरल सेल अपर टीयर, दो टीयर्स बनते हैं अपर टीयर, टी आई ई आर, टीयर का मतलब हो गया सोपान या श्रेणी। ट्रांसवर्स विभाजन की वजह से अपर टीयर एंड लोअर टीयर, और दोनों में इसमें भी सिक्स सेल्स हैं और इसमें भी सिक्स पेरिफेरल सेल्स हैं। जगह की वजह से हमने यहाँ पे सिक्स सेल्स लिख दिया, पेरिफेरल सेल्स नहीं लिखा है, ठीक है। अब अपर टीयर जो है वो यहाँ पे विभाजन करेगा, कौन सा चपटा विभाजन कर रहा है, जिसकी वजह से केवल कोशिका ऊपर की ओर संख्या में वृद्धि कर रही है, साइड में नहीं कर रही। साइड में तो छह ही कोशिकाएं हैं, इसलिए हम इसमें पेरिक्लिनल विभाजन को क्या कर देते हैं, एब्सेंट, और केवल कौन सा करते हैं, एंटीक्लिनल विभाजन। ये रहा एंटीक्लिनल विभाजन, जिसकी वजह से प्रत्येक मार्कर बदल लेते हैं, कोशिका या प्रत्येक सेल, छह कोशिका है ना, प्रत्येक सेल छह से नौ कोशिकीय ईच सेल्स डिवाइड इंटू, ईच सेल्स डिवाइड इंटू सिक्स टू नाइन यूनिसीरिएट, सिक्स टू नाइन यूनिसीरिएट सेल्स। प्रत्येक कोशिका छह से नौ कोशिकीय एक पंक्तिक स्तंभ के रूप में क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं टू फॉर्म
टू फॉर्म किसका? नेक जैकेट। और ये कैसा होता है? स्ट्राइल। और कैसा होता है? हैप्लॉइड, क्योंकि डिप्लॉइड तो यहां पे है ही नहीं, गैमिटोफाइट। तो यहां पे प्रत्येक कोशिका विभाजित होकर 6 से 9 एकल पंक्तिक संरचना बना लेती है जो नेक के चारों तरफ लिपट जाती है, और वो संरचना जो है वो बनाती है नेक जैकेट, ग्रीवा की जैकेट बनाती है जो कि बंधे प्रकार की होती है, स्ट्राइल। अब केंद्रीय कोशिका पे आ जाइए, लोअर टीयर। लोअर टीयर की कोशिका में भी विभाजन हो रहा है, और इसमें ध्यान रखना, अगर आपको दिखाई दे पा रहा हो तो मैं दोनों के दोनों डिविजन्स दिखा रहा हूं, इसमें ये भी हो रहा है और इसमें ये भी हो रहा है, दोनों प्रकार के विभाजन। उसके अंदर केवल अनुदैर्ध्य हो रहा था, इसमें चारों तरफ गोलाई में वृद्धि करके लिपट रही है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं टू फॉर्म क्या बोलते हैं, वेंटर जैकेट। ठीक है, एक चीज यहां पे हमने नहीं लिखी, स्थान नहीं था, ये हमें नॉलेज में होना चाहिए, ये जो जैकेट है चाहे वेंटर का है और चाहे नेक का है, ये एक कोशिकीय मोटा है, एक कोशिकीय से ज्यादा मोटा नहीं है, इसीलिए हमने यहां पे पेरिफेरल डिवीजन दिखाया भी नहीं है। क्लियर? तो यहां पे केवल एक कोशिकीय मोटा, टू फॉर्म नेक जैकेट, और ये बनाती है टू फॉर्म वेंटर जैकेट, और ये भी कैसी है? स्टराइल। जो आवरण है वो कैसे हैं? स्ट्राइल। अब आ जाइए सेंट्रल सेल पे। सेंट्रल सेल में विभाजन होता है ये वाला, और इसके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, दैट इज अनइक्वल। अनइक्वल असममित विभाजन होता है, जिसकी वजह से सबसे ऊपर की कोशिका बहुत छोटी और नीचे की कोशिका बड़ी बदल जाती है। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर की छोटी कोशिका है, अपर स्मॉल सेल, ठीक है, और लोअर लार्ज सेल, अपर स्मॉल सेल एंड लोअर लार्ज सेल। ठीक है, तो ये जो अपर स्मॉल सेल है ये कहलाती है कवर इनिशियल, कवर कोशिका बनाती है। इस कोशिका के अंदर विभाजन होते हैं कौन से? वर्टिकल, ये वाला विभाजन होगा वर्टिकल, और वो भी टू डिविजन्स एट 90 डिग्री एंगल, दो विभाजन होंगे और दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे? 90 डिग्री पे, और इस 90 डिग्री एंगल के कारण यहां पे कितनी बन जाएंगी? 4 कवर सेल्स, और ये 4 कवर सेल्स जो हैं ये कवर करती है किसको? नेक सेल्स को, नेक को कवर करने का कार्य करती हैं। अब आइए लार्ज सेल पे, इसमें फिर विभाजन हो रहा है जिसकी वजह से ये वाला विभाजन और दो कोशिकाएं बनती हैं, और दो कोशिकाएं बनने के फलस्वरूप एक कोशिका कौन सी बनेगी यहां पे? नेक इनिशियल, और एक कोशिका जो यहां पे बनेगी नेक इनिशियल के बाद वो है वेंटर, या अगर हम बात करें तो इसे एंड्रो, मतलब क्या बोलते हैं, अंड्या कोशिका भी कह सकते हैं या वेंट्रल सेल भी कह सकते हैं। एक कोशिका बन रही है नेक इनिशियल, एक कोशिका बन रही है वेंटर इनिशियल। नेक इनिशियल जो कोशिका है
वो विभाजन करती है लगभग 3 से 5 टाइम। कौन सा? ये वाला। पेन बदल देते हैं, थोड़ा गिचपिच हो जाएगा। थ्री टू फाइव ट्रांसवर्स डिवीजन। थ्री टू फाइव ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, और इसकी वजह से 4 to 6 नेक सेल्स, 4 से 6 क्या बन जाती हैं? ग्रीवा कोशिकाएं। ठीक है, और ये ग्रीवा कोशिकाएं जो हैं ये कैसे रहती हैं? यूनिसीरिएट। यूनिसीरिएट कंडीशन में और किसका निर्माण करती है? नेक का। अब आइए वेंटर पे। वेंटर इनिशियल सेल जो है वो 2 कोशिकाओं में बढ़ती है, स्मॉल सेल। पेन बदल लेते हैं। स्मॉल सेल, जो छोटी कोशिका है ये हमें मिटाना पड़ेगा। जो छोटी कोशिका है वो किस में बदल रही है? वेंटर कैनाल सेल में। किस में बदल रही है? वेंटर कैनाल सेल में। और जो लार्ज सेल है लार्ज सेल वो किस में बदल रही है? एग सेल। और एग सेल के अंदर है फीमेल गैमिटो गैमिट, जिसे हम एग कहते हैं। ठीक है, ये डेवलपमेंट स्टेजेस हैं किसकी? फीमेल आर्चीगोनिया की। अब इसी को एक बार डायग्रामेटिक रूप में समझ लेते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए। यह विभाजन हटा देता हूं सारे। सुपरफिशियल सेल से चलते हैं
सुपरफिशियल सेल या हम कह सकते हैं आर्चिगोनिया इनिशियल सेल। ठीक है, इसमें फर्स्ट डिवीजन कौन सा हो रहा है? ट्रांसवर्स, जिसकी वजह से दो कोशिकाएं बन रही हैं ऊपर और नीचे। ये हो गया क्या बोलते हैं अपर, दैट इज प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल, और ये हो गई कौन सी? बेसल सेल। बेसल सेल के लिए हमने क्या कहा? बेसल सेल जो है वो एम्बेडेड है, अंत स्थापित है और सतह के साथ ही मिली हुई है और आलंबन प्रदान कर रही है और एक तरीके से एडेशन के साथ में न्यूट्रिएंट सप्लाईज का काम कर रही है। विभाजन कौन सा हो गया? ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ। ठीक है, इस विभाजन के पश्चात अब इसके अंदर हमारे डिविजन्स, तो डिवीजन के फलस्वरूप यहाँ पे जो कोशिका बन रही है दोनों विभाजनों को साथ लेके चले तो इसमें आ जाइए, यहां पे तीन वर्टिकल इंटरसेक्टिंग डिवीजन हो रहे हैं जिसके फलस्वरूप यहां पे हमारे पास जो कोशिका बनेगी वो कौन सी? ये एक्चुअली में विभाजन कौन सा हुआ? जो हमने नीचे बनाते हैं एक दो तीन, थ्री वर्टिकल इंटरसेक्टिंग डिवीजन, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कौन सी कोशिका दिख रही है? एक दो, एक दो, और ये केंद्रीय कोशिका दिख रही है और ये वाली कोशिका कहाँ चली गई? पीछे की ओर। तो एक्चुअली में तो केवल आपको दिखाने के लिए केंद्रीय कोशिका दिखाई है, पर केंद्रीय कोशिका तो आपको दिखाई दे ही नहीं सकती, ये इन परिधीय कोशिकाओं के केंद्र में, केवल ऊपर से देखने पर ही आप उसमें व्यू देख सकते हैं, ये वाला, ये तो आप देख ही नहीं सकते, लेकिन एक डायग्रामेटिकली आपको दिखाया गया है कि ये केंद्रीय कोशिका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं,
ये हटाना पड़ेगा, इसको इधर बना देते हैं। दैट इज सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल या एक्सियल सेल भी कह देते हैं। और ये और ये जो दो कोशिकाएं बनी हैं, दीज आर पेरिफेरल। दीज आर पेरिफेरल सेल्स, और इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गई बेसल। ठीक है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम पेरिफेरल और सेंट्रल सेल्स के डेवलपमेंट को देखते हैं। यहाँ पे तो हमने चार्ट में अलग अलग दिखा दिया, लेकिन उस वक्त दोनों चीजें जो हैं वो साथ ही चल रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इससे आगे बढ़ें तो नेक्स्ट डिवीजन इसमें कौन सा हो रहा है, ये वाला, जिसकी वजह से ये जो विभाजन हुआ तो ये तीन कोशिकाओं से कितनी होगी, छह। लेकिन हमें यहाँ पे छह कोशिकाएं दिखाई नहीं देंगी, ये चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो हम यहाँ पे इससे अगला स्टेप ले लेते हैं, कौन सा, ट्रांसवर्स डिवीजन का, जिसकी वजह से दो सोपान बने। और उसी वक्त यहाँ पे जब ये दो सोपान बन रहे थे तो सेंट्रल सेल में भी एक अनइक्वल डिफरेंशिएशन हो रहा था, उसी डिफरेंशिएशन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं।
तो यहाँ अगर आप नाम देखें तो हमें ये तो हो गया अपर टीयर, ठीक है, जिसको हमने नाम क्या दिया था अपर टीयर को, तो ये अपर टीयर तो हटा देते हैं, केवल हमको याद रखना है अपर टीयर, हम इसको क्या नाम देंगे, दैट इज नेक जैकेट इनिशियल या प्राइमरी नेक जैकेट सेल, इसको हम क्या नाम देंगे, वेंटर जैकेट इनिशियल, ये कौन सी हो गई, कवर इनिशियल, और ये कौन सी हो गई, सेंट्रल सेल, ये हो गई अपर वाली, जिसको हमने अपर टीयर की सिक्स सेल्स, यहां पे हमने नाम नहीं लिखा था, नाम लिख देते हैं, छह से सात कोशिकाएं बन रही है, तो अपर टीयर की जो कोशिकाएं थी छह कोशिकाएं, अपर टीयर की सिक्स सेल्स, क्या नाम देंगे इनको, नेक जैकेट इनिशियल, और ये जो लोअर टीयर है हमारे पास में, लोअर टीयर, इसको हम नाम दे रहे थे वेंटर जैकेट इनिशियल सेल, ठीक है, तो ये तो हो गया वेंटर जैकेट इनिशियल, ये हो गया नेक जैकेट इनिशियल, ये हो गया कवर इनिशियल, और ये हो गई सेंट्रल सेल, तो कवर इनिशियल, और ये होगी लोअर सेल, जिसको हम बोल रहे थे यहाँ पे लोअर लार्ज सेल, और लोअर लार्ज सेल जो है, यहाँ पे नाम नहीं दिया, नाम देना चाहिए था, नाम भूल गए, नाम दे देते हैं, लोअर लार्ज सेल, और इसको हम नाम देंगे सेंट्रल सेल, जिसमें फिर ट्रांसवर्स विभाजन से नेक इनिशियल और वेंटर इनिशियल सेल्स जो है वो निकल रही हैं। ठीक है, यहां पे आ गए हम। अब नेक्स्ट इसी डायग्राम को आगे बढ़ाएं, तो जो कवर सेल्स हैं उनके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन दिखा देते हैं, और ये हो गया कवर सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है, हो गया। वहीं अगर अपन नेक और जैकेट इनिशियल्स की बात करें तो जैकेट इनिशियल्स जो है उनको विभाजित कर देते हैं, और सेंट्रल सेल में भी दो विभाजन कर देते हैं, ये रहा, ये ब्लू से बनाना था, अपन ने ब्लैक से बना दिया,
यहाँ डेवलप पॉइंट हो गया किसका, कवर सेल का। यहाँ पे सेंट्रल सेल थी अभी तक, अब यहाँ पे सेंट्रल सेल दो भागों में बढ़ चुकी है। ऊपर वाले की बात करें तो दैट इज नेक, प्राइमरी नेक सेल लिख देते हैं। ये हो गया नेक जैकेट, ये हो गया वेंटर जैकेट, ये हो गया प्राइमरी नेक सेल, ये हो गया प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल, और ये हो गया एक तरीके से कवर सेल। ये हमारा डायग्राम हुआ। ठीक है, प्राइमरी नेक सेल में लगातार विभाजन होंगे, लगातार विभाजन के वजह से कौन सा नेक इनिशियल, नेक इनिशियल या प्राइमरी नेक सेल से क्या डेवलप हो गई, पूरी की पूरी नेक। पूरा का पूरा नेक, दीज आर कवर सेल्स, ये हो गया नेक और ये हो गया वेंटर और ये हो गई एग सेल। ठीक है,
एक दो तीन चार पाँच और छः डायग्राम्स। अब इसके बाद में फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को थोड़ा बेसिक कंसेप्ट के साथ समझ लेना, थ्योरेटिकली अपने आप आ जाएगा। अगर आप यहाँ ढंग से देख पा रहे हो तो यहाँ पे प्रत्येक कोशिका के बीच में पट है, अलग अलग है सारी कोशिकाएं, तो ये मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, एक रफली डायग्राम अपन यहाँ पे बनाएं, तो यहाँ पे एक्चुअली में प्रोटीन, मैलिक एसिड, थोड़ा सा अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, मतलब जिससे बनता है वो क्या बोलते हैं म्यूचलेज स्लेस्मा टाइप, तो उसके सब्सटेंस यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके अलावा एक और पोटेशियम आयन, म्यूसी लेज, ठीक है, इनका यहां पे क्या होता है डिपोजिशन। एक दो तीन चार पांच छह, चार से छह कोशिकाएं होती हैं। तो परिपक्वन काल के अंदर केवल आपको चार या पांच लाइनों में ही इसको याद रखना है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो जो ही परिपक्वन या फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो मैच्योर हो जाती है, और हमने कह रखा है कि एल्गीज के समान ब्रायोफाइट्स में भी निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, अतः इस नमी के द्वारा इनके अंदर क्या होता है वाटर जो है वो क्या हो जाता है अंदर की तरफ प्रवेश करता है। प्रवेश करने की वजह से प्रोटीन्स, मैलिक एसिड, पोटेशियम आयन, एंजो म्यूसिलेज है, ये जल अवशोषित करके क्या बना लेते हैं एक श्लेष्मीय जेल, ठीक है, एक अधात्री टाइप। और उसी जेल के फॉर्मेशन एक्चुअली में हम बात करें तो प्रोटीन्स और मैलिक एसिड जो है इसके बीच की वलय को क्या कर देता है गला देता है। तो ये पट्ट पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं गल चुके हैं और ये पूरी की पूरी एक ट्यूब लाइक संरचना बन रही है। अब यहाँ पे म्यूसिलेज की वजह से इसमें क्या लग रहा है प्रेशर, तो यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर जो है वो तो जैकेट सेल्स कंट्रोल कर लेती हैं, नीचे का जो प्रेशर है वो वेंटर सेल कंट्रोल कर रही है, लेकिन ऊपर की तरफ का प्रेशर में केवल यहाँ पे ढक्कन कोशिकाएं हैं कवर सेल्स चार जो कि बीच में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इन चारों के बीच में क्या है सिल्ट, ये ऐसे ही तो दिख रही है ऊपर से, तो इनके बीच में क्या है सिल्ट्स, क्योंकि चार कोशिकाएं विभाजन से बनी है। तो जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा इस पर लगता है और इसके कारण ये जो कवर सेल्स होती हैं ये इस प्रेशर को झेल नहीं पाती और ये ढक्कन की तरह ऊपर की तरफ क्या हो जाती है फट जाती हैं या टूट जाती हैं, या अगर हम बात करें तो इनके जो बीच की दरार है वो बड़ी हो जाती हैं, दरार दिखने लग जाती हैं, जिसकी वजह से अपरकुलम सेल्स क्या हो जाती हैं दिखने लग जाती हैं या खुल जाती हैं, ये खुल गई दैट इज ओपनिंग। तो अब ये क्या कर रही है ग्राही का काम का इसका कर रही है एक तरीके से ग्राही, या अगर हम बात करें तो रिसेप्टिव का। अब ये जो श्लेष्मा यहाँ से निकल रहा है, श्लेष्मा यहाँ से निकलने की वजह से ये चारों तरफ इसके ऊपर क्या हो जाता है इस नेक के ऊपर बिखर जाता है, ये चिपचिपा पदार्थ जो है। अब इसमें हम कह रहे हैं प्रोटीन भी है और इसके अंदर पोटेशियम भी है, मैलिक एसिड भी है, ये कीमोटैक्टिक रसायनोचलन कीमोटैक्टिकली ऐसे किनको एंथोजॉइड्स को आकर्षित करते हैं जो जल की धारा में बहते हुए इसकी तरफ आकर्षित होते हुए पहुंचते हैं, और आकर वह एंथोजॉइड जो है वो इसके ऊपर क्या हो जाते हैं चिपक जाते हैं। अब मैनी मोर एंथोजॉइड चिपकते हैं सैकड़ों की संख्या में, और फिर इसमें से कोई एक दो जो हैं वो इस ओपनिंग के द्वारा कहाँ पहुँचते हैं। तो एक तरीके से अगर अपन नेक की बात करें तो नेक के अंदर श्लेष्मा भरा हुआ है जो इन्हें पोषण प्रदान करता है, म्यूसिलेज है जो कि इनको डेसिकेशन से बचाता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ट्यूब जैसी संरचना जो है ये इन्हें वन बाई वन यहाँ पे पैसेज में मदद करती है,
एक तरीके से छटनी के रूप में, और फिर यहाँ पे वेंटर सेल जो है वो भी इसमें से भेद कर, और ये जो एंथोजॉइड का ओव्यूम है या जो क्या बोलते हैं एग है, या अगर हम बात करें तो गैमिट, तो दोनों केंद्रक जो है कहाँ पहुँच गए, यहाँ, और दोनों के पहुँचने के बाद ये हो गया इनके अंदर फ्यूजन, दैट इज जायगोट। और जो ही जायगोट बनता है ये समस्त संरचना जो है वो क्या हो जाती है, ठोस हो जाती है, पैक हो जाती है जिलेटिन से, और ये बंद हो जाती है, और ये बाद में नष्ट हो जाती है, टूट जाती है, क्लियर है। तो ये गोलाकार संरचना जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ऊ स्पोर, दैट इज ऊ स्पोर, ठीक है। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन, और गैमिटोफाइट स्टेज जो है वो यहीं पर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो अब जो हम ऊस्पोर की बात कर रहे हैं, वो ऊस्पोर जो है वो एक तरीके से स्पोरोफाइट की प्रथम अवस्था या प्रथम कोशिका कहलाती है, ऊस्पोर। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है, एक्सिया स्पोरोफाइट। फेज जिसे हम बीजाणुद्भिद, तो आज की क्लास में इतना ही, देन अब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं रक्षिया की बीजाणुद्भिद अवस्था।